आ रही है संपत्ति, और उसके अलावा जो अपने हेरिटेज बिल्डिंग्स होती है, सिविल रिपोर्ट, या फिर उनका आप मान लीजिए सिविल भी ठीक है तो उनके, अब वो करने के बाद में काम करने टाइम लगता है। आपका एक चीज तो कहना मालूम पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ कराएं तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन से पहले आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा दिया है, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो लोग को कहीं से रिलैक्सेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ। बनस्पत एनसीआर के दूसरे एरिया है, फैजाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, उनके मुकाबले गुड़गांव ज्यादा डेवलप हुआ है। कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, ये सब चीजें जानकारियां पहुंचाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको किसी प्रकार से कहीं कोई असुविधा ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके जीवन का एक पार्ट है। हर आदमी अपने जीवन में एक ना एक मकान अवश्य बनाता है। सुनील जी, आपका इस शो में आज बहुत बहुत स्वागत है। और इनका मैं परिचय का मोहताज नहीं है, आज सुनील जी को पूरा अजमेर जानता है इन्हों के काम की वजह से। आज जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं और बड़े मॉल, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स हैं, ये सब आप बना रहे हैं। आपका बॉम्बे में भी काम है और इसके अलावा अजमेर से लेकर जयपुर के बीच में आपका बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ी चीज, अजमेर का सबसे बड़ा रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट आप ही का है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो आप इनोवेशन के तौर पर अजमेर में लेके आए हैं और आप बहुत अच्छे से आप इसको आज प्रेजेंट कर रहे हैं। आज 80% प्रोजेक्ट्स में आपका मटेरियल सप्लाई हो रहा है। सुनील जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मकान बनाने के लिए पहले क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आज बताएं। जनरली हम लोग जब भी मकान बनाना चाहते हैं तो हर आदमी का मकान बनाना एक सपना होता है। बिल्कुल। और वो अपने सपने को एक अच्छे तौर तरीके से बनाए, अच्छा सपना देखे, उस मकान को जब बनाना वो स्टार्ट करता है
तो जनरली एक प्रैक्टिस जो हमारी रूटीन प्रैक्टिस है कि हम लोग एक घर में बैठ के और एक डिजाइन तैयार कर लेते हैं कि हमें इतना बेडरूम चाहिए, इतना गेस्ट रूम चाहिए, इतने बाथरूम चाहिए, इतना लॉबी ये बालकनी सब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। फाइनली डिसाइड करने के बाद हम लोग जैसे कॉन्ट्रेक्टर और उनके अप्रोच में आते हैं, कॉन्ट्रेक्टर हायर करते हैं, और जब हम कॉन्ट्रेक्टर हायर कर लेते हैं तो उस केस में हम लोग सारी अपनी रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रेक्टर के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद हम लोग जनरली काम स्टार्ट कर देते हैं। वैसे मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, हम लोगों को ये आर्किटेक्ट इंजीनियर हायर करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आजकल सभी लोग थोड़े थोड़े जानकार हो गए हैं सारी चीजों के, और हिंदुस्तानी तो वैसे भी हर चीज में आधा एक्सपर्ट तो पहले ही होता है, तो हमें आर्किटेक्ट इंजीनियर हायर करना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं मेरी बात यही थी कि जैसे हम लोग ये रूटीन प्रैक्टिस करते हैं, पर हम लोगों को आर्किटेक्ट और इंजीनियर डेफिनेटली हायर करने चाहिए, क्योंकि इंजीनियर्स जो होते हैं, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, वो हर तरह से टेक्निकल साउंड्स होते हैं, उनको अपडेट्स होते हैं, वो रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, डिजाइन्स क्या चल रही हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या नई नई टेक्नोलॉजी से हम कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, कैसे हम यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट हायर करने से हमें कुछ फायदे इस तरह के होते हैं कि वो कम जगह में हमें अच्छी यूटिलिटी निकाल के देते हैं, प्लस वो ए टू जेड हमें प्लान दे देते हैं, जिस प्लान में हमें इलेक्ट्रिक लाइन हमारी कहाँ जा रही है, सीवरेज लाइन हमारी कहाँ जा रही है, हमारी फ्लोरिंग कहाँ है, हमारी कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, लेमिनेट्स क्या होंगे, इंटीरियर डिजाइन क्या होंगी, एक्सटीरियर डिजाइन हमारी क्या क्या होंगी। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जब काम करते हैं तो हम एक ट्रेडिशनल पैटर्न पे आ जाते हैं, पर जब इंजीनियर और उनकी गाइडलाइन में हम काम करते हैं, आर्किटेक्ट की गाइडलाइन में काम करते हैं, तो आर्किटेक्ट में भी जैसे दो पैटर्न में आजकल आर्किटेक्ट्स होते हैं, सिविल के आर्किटेक्ट्स अलग होते हैं और इंटीरियर डिजाइनिंग के अलग होते हैं, तो हम चाहे तो दोनों को एक साथ करके भी कर सकते हैं। और मेट्रो सिटीज में तो ऐसा पैटर्न है कि वहाँ सिविल के और आर्किटेक्ट अलग होते हैं और इंटीरियर के डिजाइनिंग के अलग होते हैं, साथ ही एक्सटीरियर के अलग होते हैं, कॉर्पोरेट जितने कॉन्ट्रेक्टर जितने हैं कॉर्पोरेट डिवीजन होते हैं, तो वहाँ एक अलग अलग पैटर्न होता है। और हमारे यहाँ जो कल्चर है उसमें एक आर्किटेक्ट हमारा ए टू जेड काम करके देता है हमको, तो हमें डेफिनेटली अच्छा मकान बनाने के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए, बार बार तोड़फोड़ ना हो, हर चीज ए टू जेड हो, हमारा जो मकान बन रहा है उसका फ्रंट एलिवेशन क्या होगा, उसके कलर कॉम्बिनेशन क्या होंगे, उसकी ड्रॉइंग्स क्या होंगी, उसकी सिविल स्ट्रेंथ क्या होगी, इसके लिए हमें आर्किटेक्ट और इंजीनियर करना ही चाहिए। खैर, इससे एक चीज तो हमें पता पड़ती है कि आर्किटेक्ट या इंजीनियर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग कोई भी अपना कंस्ट्रक्शन कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो उसके लिए एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर होना बहुत ही मस्ट है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मोस्टली क्या हमारे लोगों को अलग अलग टीम्स होती हैं, ठेकेदारों की, लेबर की, जो वर्कर्स होते हैं, क्या वो भी अलग अलग टीम लेनी चाहिए या पर्टिकुलर किसी एक ही आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए, वही वो सारा? सबसे बड़ी बात में ये जो ठेकेदार और जो लेबर होती है, इनकी अलग अलग टीम्स होती हैं, तो जो ये टीम होती है ये अलग अलग होनी चाहिए, हमें पर्टिकुलर किसी एक आदमी को दे देना चाहिए कि भाई आप ही इसको मैनेज करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है तो ऑब्वियसली हर चीज का अपना अलग एक्सपर्ट हो, तो मेरा तो राय है कि वैसे अलग अलग होना चाहिए, फिर भी आप उसके बारे में ज्यादा बेटर बता पाएंगे। देखिए, अभी अजमेर साइड है और हम राजस्थान में अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कल्चर है कि हम एक ही आदमी को सारा काम दे दिया करते हैं, जिसमें सिविल वर्क और प्लास्टर और फिटिंग्स और सैनिटरी बाथरूम वगैरह सब एक ही आदमी बना के दे देता है। ठीक है, पर जनरली अगर हम बड़ी सिटी मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो हमें वहाँ हर काम का एक स्पेशल टीम मिलता है, जिनकी अपने काम में स्पेशलिटी होती है, वो लोग परफेक्शन पे अपना काम करते हैं, उनके पास जो टीम होती है, जैसे बाथरूम फिटिंग्स लगाने वाला है तो उनके पास पूरा काम वही होता है। तो नहीं, निश्चित तौर से आपके कहने का अर्थ है कि जो भी हो वो अपने काम का एक्सपर्ट होना चाहिए, अगर बाथरूम फिटिंग क्या, प्लास्टर क्या, कलर क्या, हर चीज के लिए अपना एक एक्सपर्ट होना चाहिए, किसी एक ही व्यक्ति को देने का नुकसान ही हो सकता है, कि हो सकता है वो एक चीज में एक्सपर्ट हो पर दूसरी चीज में ये शॉर्ट नहीं कि वो अपने काम में एक्सपर्ट होगा, तो आपके कहने का अर्थ ये वाला है। अच्छा, एक जैसे अभी एक सवाल और हमारा, हमारे बातचीत चल रही थी बट वो टेक्निकल मिस्टेक की वजह से शायद लोग नहीं सुन पाए थे, कि जो ये आर्किटेक्ट होते हैं, सिविल या इंजीनियर, ये अलग अलग होने चाहिए या इसमें भी कुछ? आर्किटेक्ट्स में क्या होता है सर, जनरली आर्किटेक्ट्स में दो पैटर्न होते हैं। हाँ। एक सिविल आर्किटेक्ट होते हैं, एक इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर्स होते हैं। अब जो भी अपना काम कर रहे हैं वो अपने सिविल वाले अपने काम में स्पेशलिटी रखते हैं, और आर्किटेक्ट जो इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनर जो होते हैं वो अपने काम की स्पेशलिटी रहते हैं, और टाइम टू टाइम उनके पास अपडेट्स भी रहते हैं। तो जहां जैसा कल्चर है, अगर आपको लगता है कि एक ही आर्किटेक्ट हमारे सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है तो हम वो भी हायर कर सकते हैं, और हम चाहें तो डिजाइनर और इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए अलग से भी रख सकते हैं।
खैर निश्चित तौर पे मैं आपके से तो व्यक्तिगत वाकिफ हूँ और मुझे ये पता है कि जो दिल्ली या मुंबई में जो पहला कॉन्सेप्ट आता है, खासकर मुंबई में पहला कॉन्सेप्ट आता है, वो आप ये लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी आपके कोई भी नई चीज जो वहां पर क्रिएट होती है वो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा वो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो निश्चित तौर पर कहीं कुछ आपके अन्य कॉम्पिटिटर से आप इस चीज में काफी आगे हैं। हम लोग वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करते हैं या फॉलो करते हैं उसको, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। अजमेर जैसे छोटे शहर में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो एक मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था, अजमेर में भी जैसे कोई एक जने लेके आए थे, ये कंस्ट्रक्शन में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में सर अभी हम लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के फैसिलिटीज दिए और कुछ इस तरह उन्होंने सपोर्ट दिया गवर्नमेंट ने कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जी, जैसे फ्लाइश एक पावर ग्रिड का वेस्ट मटेरियल होता है, हाँ, उस फ्लाइश को हम लोग लाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसमें कुछ सीमेंट्स और कुछ लाइम वगैरह मिक्स करके और प्लांट से उसकी ब्रिक्स बना लेते हैं। तो ब्रिक्स लाइट वेट भी होती है, हीट प्रूफ भी होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है और जितना भी वेस्टेज है उस वेस्टेज को हम यूज करते हैं। लाइट वेट भी होती है जी, लाइट वेट भी होती है, हीट प्रूफ भी होती है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है। तो वो सब जो वेस्ट मटेरियल हम यूज करते हैं और बिल्डिंग में जो यूज कर लेते हैं हम लोग, उसी को हम लोग उस पैटर्न पे हम लोग ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर से उससे पॉल्यूशन और इन चीजों से बचाव रहता है और डस्ट और पॉल्यूशन और सगाई सारी चीजों से और बिल्डिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और लाइट वेट होता है। जैसे होलो ईंट का कुछ आप बता रहे थे, होलो ब्लॉक्स वगैरह भी आजकल काफी चलन में आ गया है। होलो ब्लॉक्स में क्या होता है कि जो आप एक तो प्लास्टर कम होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और हीट प्रूफ और साउंड प्रूफ भी होता है। ओके, हाँ, अब जब हम मल्टी स्टोरीज बना रहे हैं, काफी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम अगर ये ओल्ड पैटर्न पे जो रेड कलर ब्रिक्स आती है मिट्टी की जो बनी होती है, अगर हम उसको यूज करते तो काफी वेटेड हो जाती बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग को हम लाइट वेट रखना चाहेंगे जी। उस लाइट वेट के लिए हम होलो ब्लॉक्स यूज करते हैं, तो उसमें हम लोगों का टाइम सेव भी होता है और टाइम सेव के साथ शायद स्ट्रेंथ भी उसकी थोड़ी ज्यादा रहती है, स्ट्रेंथ उसकी पकड़ और जो स्ट्रेंथ। काफी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसे ऐसे भी ब्लॉक आने लगे हैं कि आप पानी में अगर डालोगे तो पानी में टिक नहीं होंगे, काफी अच्छी क्वालिटी उसमें मेंटेन। ये भी शायद 2-3 सालों से कुछ चलन में आए हैं, काफी चलन में। जी, अच्छा, बिल्डिंग बनाने के लिए किन किन चीज, किन किन आइटम्स, किन किन चीजों की जरूरत रहती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसा पार्ट है कि हर आदमी या तो करा रहा होता है या कराना ही होता है उसकी जिंदगी में एक बार, इसलिए जरूरी है जिसको आदमी को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप बताएंगे कुछ क्या क्या कंस्ट्रक्शन के लिए। बिल्डिंग बनाने के लिए जनरली हमारी इनिशियल स्टेज पे अगर हम बात करें तो कुछ जैसे हमारे आउटसोर्सेस मटेरियल्स होते हैं, ग्रिट हुआ, बजरी हुआ जिसको हम सैंड बोलते हैं, रिवर सैंड आती है आजकल, आर्टिफिशियल सैंड भी आने लगी है, और उसके बाद सरिया है, सीमेंट है, कॉन्ट्रेक्टर्स हैं, ये सभी जैसे मेटल, हम लोग मेटल की अगर बात करें तो ग्रिड, बजरी, पानी और ब्रिक्स और ये सब चीजें होती है, उनका सिलेक्शन करना और उनको कहाँ से वो सोर्सेस से हमें लाने हैं और कैसे हम लोग उनको यूज करना है, कैसे क्या करना है, वो सब तैयारी करनी होती है। तो इनिशियल स्टेज हमारी ये की अभी 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 आपने एक वर्ड लिया आर्टिफिशियल सैंड, वो क्या चीज है ये आर्टिफिशियल सैंड? सर आजकल क्या होता है, रिवर सैंड पे गवर्नमेंट का काफी बैन लगा हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और जगह जगह आप देख रहे हैं कि नदियां काफी वैसे भी छोटी हो गई, पानी आ नहीं रहा है और रिवर सैंड काफी क्राइसिस भी है और गवर्नमेंट से भी बैन लगा हुआ है, तो उसका एक सेकंड सब्स्टिट्यूट मतलब कंस्ट्रक्शन में भी आया है एम सैंड। एम सैंड का मतलब है मैसनरी स्टोन सैंड, मैसनरी का जो स्टोन माइन से निकल के आ रहा है उसको क्रश करके उसको वाटर वॉश होता है, वो 4 स्टेज वाटर वॉश होता है, उसको पानी से धो के यानी कि उसको पानी में वॉश करके उसमें सिल्ट कंटेंट जो होता है, लाइम जो होता है उसको रिफाइन कर लिया जाता है। ठीक है, उसको निकालने के बाद जो उसमें 1 mm 2 mm तक के पार्टिकल्स होते हैं वो आजकल हम आर्टिफिशियल सैंड उसको एम सैंड के नाम से पुकारते हैं और वो काफी अच्छी चलन में आ रही है, उससे स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी आ रही है, मतलब उस वाली सैंड से बेटर है। रिवर सैंड का एक सेकंड ऑप्शन हमको मिला, बेस्ट ऑप्शन है कि सेकंड ऑप्शन है? नहीं, बेस्ट ऑप्शन बोल सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन पर रिवर सैंड का अब तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, अभी आप सब्स्टिट्यूट मिल गया है। जी जी, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि बजरी पर बैन है, ये काफी बड़ी सिटीज में भी चल रहा है और हमारे राजस्थान में भी पहले तो काफी बजरी अवेलेबल था पर अब ये काफी अच्छा निश्चित तौर से। अच्छा, एक चीज जानना चाह रहा था, अभी आप काफी सारे आइटम्स बता रहे थे कि ये चीजें बिल्डिंग मटेरियल में यूज होती है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, तो उनका सिलेक्शन कैसे, उनको कैसे फाइनल किया जाए कि ये नहीं ये वाली लो और ये नहीं ये वाली लो, उसका थोड़ा बताइए। टिपिकल सब्जेक्ट है और टिपिकल एरिया है
क्योंकि हर आदमी टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, जिसको नहीं नॉलेज है तो वो कॉन्ट्रेक्टर पे या उन सब पे भरोसा करके वो बना लेता है। अब वो हो सकता है अपना मार्जिन इंक्रीज करने के लिए क्या चीज लगा रहा है, ये उसकी जानकारी होना जरूरी है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। इसकी जानकारी होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें मेटेरियल में, तो जैसे ग्रिड जो हमारा है, हम ग्रिड जो यूज कर रहे हैं वो कौन से रिसोर्सेज की है, कौन से प्रेशर की है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी कॉम्पैक्ट वैल्यू क्या है, उसका वाटर ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सब चीजें हम लोगों को टेस्ट कराना चाहिए। जैसे ग्रिड का, बजरी का, ब्रिक्स का, इन सबके हम मेटेरियल को लेके, जैसे हम ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, तो ब्रिक्स जो हम यूज कर रहे हैं अभी तक हम जो रेड सेंट जो मिट्टी की जो बनती है, जो बट्टी में पट्टे में पका के, और तो उसमें क्या होता है कि अब एक अच्छी ब्रिक्स वो होती है जिसमें हम अगर दो ब्रिक्स को आपस में टच करें, जोर से टच करें, तो उसमें एक मेटल जैसी आवाज आनी चाहिए। तो यानी कि हम उसकी हाँ, ये नॉर्मली कहीं भी हम लोग ईंट लेने जाते हैं तो वो दो ईंट को बजाते हैं, टूटती है, कुछ आवाज आती है उससे, उसका केवल आइडेंटिटी ये है कि उससे ये पता पड़ता है कि ये अच्छी पकाई होके और अच्छी मजबूत ईंट है। अगर हम कच्ची ईंट ले आएंगे उसमें मेटल जैसी आवाज नहीं आ रही है तो वो फाइनली स्ट्रेंथ नहीं देगी। सेकेंड, हम ग्रिड में बात कर रहे थे कि हम जब ग्रिड की डेंसिटी और उसका वाटर ऑब्जर्वेशन और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी इम्पैक्ट वैल्यू क्या है, ये सब चीज हम लोग वैसे नजर से देख के नहीं कर सकते, वो हम लोग लेबोरेटरी में उसका सैंपल भेज के उसका एक डेंसिटी टेस्ट और उसके सारे टेस्ट करा सकते हैं। इसी तरह हम लोग रिवर सैंड और ये जो एम सैंड वगैरह यूज करते हैं, इसमें सिल्ट कंटेंट कितना है, वो हम लोग लेबोरेटरी में भेज के टेस्ट करा सकते हैं, उसके बाद ही हमें यूज करना चाहिए। इसी तरह पानी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं तो ये चूंकि छोटा लेवल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो इतने सारे टेस्टिंग वो कैसे कराएगा, जो डेफिनेटली हर आदमी इतना अपडेट भी नहीं होता, जानकार भी नहीं होता, सिविल इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि इसकी लैब का है जी, तो उनको पता भी नहीं होता। अगर लैब से आप चले भी गए और आपको रिजल्ट भी समझ में नहीं आया, और या फिर आपने वही सोर्सेज रेगुलर नहीं रखा, तो आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। निश्चित तौर से इस चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं इससे थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा कि इसको थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि नाम के साथ की कौन कौन सी चीज की क्या क्वालिटी रहती है। जैसे हम सीमेंट की बात करते हैं तो हमें सीमेंट में कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि सीमेंट एक ऐसी चीज है, गए उसको ऊंचा साहब कट्टा कितने का उसने दे दिया और वो कट्टा हम लेके आ गए। सीमेंट का एक ऐसी चीज है कि वो कहता है 320 का है, वो कहता है नहीं साहब हमारे यहाँ तो 295 में मिल जाएगा, 295 में मिल जाएगा, तो बोले यार ये सस्ता ही हम ले आते हैं। और आजकल छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी लग गई है जिसको कुछ यूनिट्स क्या बोलते हैं आप लोग, जो आपके मिनी सीमेंट प्लांट। तो अब सीमेंट के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि हर घर में जरूरत होती है, हर मॉल, मल्टीप्लेक्स, बिल्डिंग, रोड, कहीं भी किसी ब्रिज, स्विमिंग पूल, हर जगह इसका यूज तो होना ही है और हर आदमी अपने जीवन में इसको जरूर खरीदता है। तो आप इसके बारे में बताएं कि सीमेंट को कैसे फाइनल किया जाए कि हमें कौन सी सीमेंट लेनी चाहिए। एक अच्छा पॉइंट आपने निकाला और अच्छी चीज आपने पकड़ी है जी, बहुत ठीक बात है। सीमेंट का जो प्रचलन अभी हम देख रहे हैं या इंडिया में सीमेंट जो बन रही है, सभी सीमेंट प्लांट्स ओनर जितने भी प्लांट्स हैं सभी लोग अच्छी सीमेंट बनाते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु या अपन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। पर सीमेंट में दो पैटर्न होते हैं, दो तरीके की सीमेंट जनरली चलन में होती है हमारे, एक ओपीसी जिसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, एक पीपीसी जिसको हम पोर्टलैंड पंजोलोना सीमेंट बोलते हैं। दो सीमेंट का जो हम यूज करते हैं जनरली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां हम लोगों को पाइलिंग करनी होती है, मॉइस्चर होता है, फास्ट सेटिंग सीमेंट हम बोलेंगे तो उसको ओपीसी सीमेंट बोल सकते हैं। ओपीसी बोले तो यही हुआ ना शायद कि भाई जल्दी से आपको उस जगह को करना है कि पानी ज्यादा है, फटाफट सेट हो जाए और फास्ट सेटिंग होती है उसकी। इनिशियल सेटिंग टाइम जैसे 30 मिनट से स्टार्ट होती है और फाइनल सेटिंग टाइम उसकी 600 मिनट होती है, 600 मिनट। या पानी चल रहा है या पाइलिंग करनी है तो हमें फास्ट सेटिंग जहाँ भी यूज करनी है ओपीसी में जाना होगा। और जब हमें ऐसा लगता है कि हम प्लास्टर कर रहे हैं, मैसनरी कर रहे हैं या और कॉन्क्रीट कर रहे हैं जहाँ हमें फास्ट सेटिंग की जरूरत नहीं, तो हम पीपीसी यूज करते हैं। पर वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ओपीसी या पीपीसी कौन सी, जैसे हम घर में कंस्ट्रक्शन भी कराते हैं या हम लोग कहीं कोई बिल्डिंग की छत डालते हैं, पिलर्स बनाते हैं, बीम बनाते हैं, तो स्ट्रेंथ के लिए पीपीसी बेटर है कि ओपीसी बेटर है? देखिए अगर हम पिलर्स की और फुटिंग की बात करें तो हमें अगर जमीन के अंदर काम करें तो ओपीसी ज्यादा बेटर है, फास्ट सेटिंग हो जाती है। पर पीपीसी एक ऐसी सीमेंट है जिसमें एक तो क्रैक्स नहीं आते, स्मूथ होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि जब हम लेबर जब काम करती है तो ओपीसी सीमेंट फास्ट सेट होती है तो उनको काम करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, जो मसाला होता है वो जल्दी से सेट हो जाता है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और पीपीसी सीमेंट थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है तो वो
उसका सेटिंग टाइम थोड़ा सा लेट है तो इजीली प्लास्टर हो जाता है, फिनिशिंग आती है और स्ट्रेंथ भी उसकी डे बाय डे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। पर शायद पानी की ज्यादा 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 शायद ओपीसी में पड़ती है, ओपीसी में हमें जल्दी से क्यूरिंग करनी और क्रैक्स आ जाते हैं। नहीं तो फिर भी आप जैसे किस किस चीज में ओपीसी यूज करते हैं, किस किस चीज में पीपीसी यूज करते हैं, थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस। हम लोग प्लास्टर में, मेसनरी में या फ्लोरिंग जो हम करते हैं, आरसी वगैरह यूज करते हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं। और पीपीसी ओपीसी सीमेंट हम लोग जनरली पाइलिंग वाले एरिया जो होता है जहाँ मॉइस्चर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, जल्दी से सेटिंग चाहिए, बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश हो रही है, सर्दी काफी तेज है और हमें फास्ट सेटिंग चाहिए, तो हम ओपीसी भी यूज करते हैं। अब सीमेंट को हम परचेज करने से पहले, जैसा आपने मुझसे परचेज करने से पहले हमें क्या ध्यान करना, हाँ, क्या ध्यान में, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग बहुत लेमेन होते हैं, बहुत गए शॉपकीपर को बोला, उसको पेमेंट किया और उठा के लिया है, और बहुत सारा कई बार हमें रेट में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। नहीं साहब मैं तो आपके 30 रुपए कम में दे दूंगा, तो कैसे पता पड़े कौन सी बेस्ट है, क्योंकि हम अपना घर एक बार ही बनाते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि कम से कम 40-50 साल तक तो हम उसमें वापस उसका कंस्ट्रक्शन को नहीं छेड़ें। और सीमेंट तो एक ऐसा मजबूती का बेस है कि जो लाइफ टाइम हमारे को उसको रखना है। उसकी आप थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन यूं करें कि हमें कैसे पता पड़े, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये सीमेंट ही बेस्ट है। सबसे पहले हमें सर बैग के ऊपर जाके ये देखना है कि प्रोडक्शन जो है बैग के ऊपर, हाँ, बैग कौन सी कंपनी का है। जैसे अच्छी सीमेंट में हम अगर बात करें तो अल्ट्राटेक है, बंडर है, सिरी है, जेके लक्ष्मी है और भी काफी सीमेंट है, तो हमें पहले जाके कंपनी चेक करना होगा कि वो कौन सी कंपनी का बैग है। उसके बाद हमें ये देखना है कि वो पीपीसी है या ओपीसी है, उसमें भी ग्रेड्स आती है, 33 ग्रेड आती है, 43 आती है, 53 आती है। तो कैसे पता पड़े कौन सी ग्रेड वाला बैग के ऊपर लिखा होता है, पीपीसी 33, ओपीसी 53, सब कुछ। ग्रेड कैसे आइडेंटिफाई होती है? ग्रेड आइडेंटिफाई उसमें एक आईएसआई, मैं लेमैन हूं मुझे नहीं पता है, मुझे ग्रेड का पता करना है, वो कैसे पता करें? एक आईएसआई मार्का होता है, हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वहां पे हर कंपनी जब अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसको हर तरह से चेक करके जो भारतीय मानक संस्थान है उस प्रोडक्ट को सर्टिफाई करती है कि ये इस ग्रेड का मटेरियल है या इस ग्रेड का प्रोडक्ट है। तो जो भी आदमी उस पर आईएसआई लिखा होता है बैग के ऊपर, हाँ, वो जो ग्रेड लिखेगा वो डेफिनेटली सही होता है। तो जितनी ज्यादा ग्रेड उतना ज्यादा अच्छा ना, वो अलग अलग ग्रेड नहीं, मुझे मेरे घर के लिए चाहिए तो मैं ग्रेड कैसे डिसाइड करूं? उसमें आपको एक मेन चीज ये देखनी होती है, क्योंकि आईएसआई और ये सब चीजें तो सब सर्टिफाई होती है, ज्यादा कोई ना, तो नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ मेरे सामने सीमेंट का बैग है, मैं एकदम से देखते पहचान जाऊँ कि साहब ये ग्रेड मेरे लिए है कि नहीं, ये क्वालिटी मेरे लिए है कि नहीं। उसके लिए आपको एक चीज उसमें देखनी पड़ेगी, सीमेंट तो आपने अच्छी कंपनी देख ली, वो तो आप देख लेंगे, बैग के ऊपर लिखा होता है, ग्रेड भी लिखा होता है, वो भी पढ़ लेंगे, पर आपको एक चीज, मेन चीज जो आपको देखनी ये होती है कि सीमेंट के बैग के ऊपर डेट, मंथ, ईयर सब कुछ लिखा होता है, क्लियर लिखा रहता है डेट, मंथ, ईयर, वो हम लोग पहचान नहीं पा रहे। मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि आम आदमी जब भी सीमेंट खरीदे उनको बैग के एक साइड में एक लंबी स्ट्रिप पे सबसे पहले डेट लिखी होती है, डेट के बाद उसमें वीक लिखा होता है, वीक के बाद उसमें ईयर लिखा होता है, ईयर के आगे उसमें एक 35 या 33 या 30% लिखा होता है। उसका मतलब ये होता है कि उसमें लास्ट में जो 35 या 30 या 33% जो लिखा है वो फ्लाइश मिक्स है, वो फ्लाइश का रेशियो है, जो परसेंटेज कंपनी उस बैग पे लिख के देती है उसमें पूरा एक लॉट का नंबर होता है। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट देखनी होती है, डेट के बाद कौन से हफ्ते का प्रोडक्शन है वो देखना होता है, उसके बाद हम लोगों को उस पे ईयर लिखा होता है कि ये 2020 2019 है, कब का है, उसके बाद आगे जो लिखा है वो फ्लाइश का परसेंटेज होता है, तो हमें वो चीज जरूर देखनी चाहिए, वो हर कंपनी अपने बैग के ऊपर लिखे देती है। नहीं, शायद इसका एक चीज ये रहती है कि जितना ज्यादा सीमेंट पुराना होगा उतना मजबूत, कि जितना नया सीमेंट बना हुआ होगा वो एक मजबूती का कैसे पता पड़ेगी? ये सपोज सितंबर का बैग है वो यूज करना ज्यादा बेटर है कि नवंबर का, इसी मंथ का बैग है? नहीं, तो इसमें ऐसा है, आप जितना लेटेस्ट सीमेंट यूज करेंगे उतना ही स्ट्रेंथ अच्छा मिलता है। एक उसका टाइम पीरियड होता है, 90 से 120 डेज तक हम जो भी सीमेंट यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के 3 महीने से 4 महीने के बीच का हम सीमेंट को यूज करते हैं, उसमें सेम स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है। उसके बाद अगर वो पुरानी होती तो उसमें 10% रिड्यूस हो जाती है उसकी स्ट्रेंथ, उसके बाद भी वो ज्यादा पुरानी होती है, 6 महीने पुरानी हो जाती है तो 20% तक भी उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, वो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नहीं, मैं एक चीज में जानना चाह रहा हूँ, जैसे 10% 20% 30% 70% इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है सीमेंट की, तो वो कितने टाइम बाद की सीमेंट को यूज नहीं करना चाहिए? लगभग 6 से 8 महीने बाद जब सीमेंट पुरानी हो जाती है, ओल्ड स्टॉक हो जाता है, तो हमको वो अवॉइड करनी चाहिए।
ठीक है, आपने अभी सैंड का बताया कि सैंड में आपके पास एक क्वालिटी आती है कि जो रिवर सैंड नहीं अगर आपके पास अवेलेबल है तो आजकल वो प्रेशर की जो सैंड आप बता रहे हो जिसको आप रिफाइन करते हैं और उसको ऑटो वॉश करके, और एक इसके अलावा आपने सीमेंट का बताया कि सीमेंट जितना ज्यादा लेटेस्ट आप लेंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, जैसे जैसे सीमेंट का टाइम पीरियड निकलता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। फिर भी अगर आपके पास सपोज कुछ स्टॉक में बैग पड़ा है सीमेंट का तो आप उसको रैंप या आउटसाइड में जहां फ्रेम बना रहे हैं आउट की जैसे डॉट साइज बनाते हैं उसकी मतलब जहां ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, लोड वॉल के लिए तो आप बिल्कुल फ्रेश ही सीमेंट और पीपीसी ही आप उसमें ठीक है। एक सीमेंट हो गया, एक बजरी हो गई, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर आता है सरिये का। सरिये के बारे में कैसे पता पड़े कि हमें यही सरिया यूज करना चाहिए, या क्या उसकी ग्रेड होती है, क्या उसकी क्वालिटी होती है, और कितने तरह का सरिया होता है, सरिये का भी बता दीजिए। सरिया भी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो आप बजरी और सीमेंट के अलावा सरिया तो लोगे का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, सरिया एक बहुत बड़ा रोल रखता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में या किसी भी कंस्ट्रक्शन। सरिया जब हम परचेज करने जा रहे हैं तो हमें कुछ ज्यादा चीजों का ध्यान रखना या टेक्निकल साइड जाना तो संभव नहीं होता, साइड पे सब चीजें लेबोरेटरी नहीं होती है। पर हाँ, जो हम बेसिक चीजें देख सकते हैं वो ये होता है कि जब भी हम सरिया परचेज करें तो सरिया कुछ एक तो दोनों मुंह पे उस पर कलर हो, उसकी दोनों जो यू शेप में आता है शायद ना सी शेप में आता है, फुल लेंथ आती नहीं क्योंकि 12 से 18 मीटर तक की लेंथ आती है, 20 मीटर की आती है। तो सबसे पहले हमें कंपनी देखनी होती है, जैसे टाटा है, शेल है, या और भी काम देनु काफी इससे पहले अभी लास्ट टाइम मिस्टर भावेश मंगल आए थे, उनका भी जीकेटीएमटी सरिया काफी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो हम लोगों को पहले ब्रांड देखनी है कंपनी की, उसके बाद हमें सरिये पे एक FE500, FE550, FE450, FE600 ये एक मार्किंग होती है उसपे, यानी उसमें ग्रेड लिखी होती है। हाँ। हमें FE500D नंबर जो आता है जनरली वो यूज करना चाहिए, वो डक्टिलिटी सरिया होता है। उसका क्या, वो डक्टिलिटी सरिये में क्या बेनिफिट्स होते हैं कि जब कोई भी जर्क आता है, हमने बिल्डिंग बनाई, कोई जर्क आया, भूकंप आया, कोई भी किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के चलते, हाँ हाँ, तो उस केस में वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप होता है, वो झटके को सहन करने लायक होता है। तो हमें एक तो वो चीज ध्यान रखनी होती है। अब 1976 से पहले एक माइल्ड सरिया आते थे जो सॉफ्ट नहीं, वो गोल टाइप होता था, बिल्कुल गोल, तो उससे कंक्रीट के साथ उसकी बॉन्डिंग, अच्छा उसकी जो रिंग होती है वो गोल टाइप की रहती थी, बिल्कुल गोल टाइप का था। तो 1976 के पहले उसका चलन था और उसके बाद थोड़ा सा अपडेट हुआ, उसके बाद ग्रिपिंग ग्रिप नहीं आता था, ग्रिपिंग नहीं होती थी कंक्रीट के साथ, उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती थी, उसके बाद टोर आने लगा। तो टोर स्टील में क्या है कि उसमें हाफ रिंग आती है जिसको हम चूड़ी बोलते, हाफ चूड़ी, सरिये के ऊपर आपने देखा होगा कि आधी आधी चूड़ी बनी होती है, वो इसीलिए होती है कि उसमें कंक्रीट के साथ उसकी बाइंडिंग पकड़ अच्छी हो जाए और उसमें किसी तरह की एयर बबल्स वगैरह घूमी है। उसके बाद अभी और अपडेट होने के बाद टीएमटी बार आ गया। अब टीएमटी बार में क्या है कि उसके चारों तरफ रिंग्स टाइप की एक डिजाइन, माइल्ड, फिर दूसरा क्या बताता है टोर, और फिर टीएमटी बार। अब टीएमटी आता है, टीएमटी बार चलन में सबसे ज्यादा आ गया, वो ही यूज करना चाहिए। टीएमटी बार में भी हमको 500D जो सीरीज आती है, जो ग्रेड आती है, वो यूज करनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम सरियों को लेने जा रहे हैं तो एक दोनों मुंह पे उस पे कलर हो ताकि उसकी लेंथ का पूरा पता पड़ जाए। एक इसका फार्मूला भी है D².162, इससे उसकी लेंथ और उसका वजन और सब चीजें पता पड़ जाती है कि एक फिट में कितना वजन आना चाहिए। D².162 जी, ओके, तो उससे उसका एक पता पड़ जाता है कि एक फिट में कितना वेट आना चाहिए, उसकी एक फार्मूला है। जनरली ये जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है इनके सबके स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं, प्लस एक गेज, जैसे हम 10 mm का सरिया ले रहे हैं तो 10 mm परफेक्ट है या नहीं, 8 mm ले रहे हैं, 12 mm, वैसे जो बड़ी कंपनीज हैं वो ऐसा नहीं करती है। फिर भी मैं अभी आपसे एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि जब भी सरिया पे कई बार रीयूज्ड सरिया आ जाता है पर पुराना मतलब कहीं ऑलरेडी यूज किया हुआ कहीं से निकला हुआ उसको कुछ कलर वलर करके, तो आप ये देखिए कि टर्न होता है, तो जहाँ पर टर्न होता है वहाँ पे कर्व होता है, कर्व के आसपास रेड रेडिश नहीं हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर उस पे रेड टाइप का कुछ आ रहा है या क्रैकिंग्स के सीन आ रहे हैं तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो माइट पॉसिबल के कहीं से हार्डनेस बढ़ गई, हार्डनेस बढ़ने के बाद उसकी जो मूवमेंट कैपेसिटी है वो कमजोर हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, एक बजरी हो गया, सीमेंट हो गया, आपका सरिया हो गया, गिट्टी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, गिट्टी भी क्या कुछ गिट्टी का मैंने जैसा भी आपको पहले बताया था कि उसकी टेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए फिर हम उसको यूज करें। कैसे पता चलेगा? लेबोरेटरी में उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी डेंसिटी होती है, उसकी इम्पैक्ट वैल्यू होती है,
इम्पैक्ट वैल्यू, उसकी लोड कितनी कैपेसिटी है, उसका वाटर ऑब्जर्वेशन कितना है, ये सब चीजें हम लोग लेबोरेटरी पे जब उसका सैंपल देंगे तो वहीं से रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या पानी की भी टेस्टिंग होनी चाहिए? बिल्कुल, पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। जनरली हम लोग पानी को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमने ट्यूबवेल किया, पानी निकाला और बिल्डिंग बना ली, पर हम जब भी पानी कंस्ट्रक्शन में यूज करें तो हमें पानी को विशेष तौर से टेस्ट कराना चाहिए। उसमें हार्डनेस कितनी है, उसका टीडीएस क्या है, फ्लोरेट्स की क्या उसकी परसेंटेज है उसमें, क्योंकि पानी अगर हमने खारा यूज किया या अच्छा पानी यूज नहीं किया तो हम लोग लाइफ टाइम उसको सफर करते हैं। तो नो डाउट यानी पानी भी एक बार टेस्टेड होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, कई लोगों को सारी जानकारी नहीं होती है, तो अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करना है, काम करना है, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो यही सब मटेरियल और इस पे कर रहे थे, पर आपकी बात एकदम ये 100% सही है कि हर आदमी को इतना नॉलेज नहीं होता है, और इसको परफेक्शन पे जाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छी क्वालिटी करने के लिए हमने एक अजमेर में रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट को एस्टेब्लिश किया है। अजमेर में हमने एक प्लांट लगाया हुआ है। रेडीमिक्स कंक्रीट एक टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी है जी, एक अपडेट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम हर तरह का माल बना सकते हैं, अलग अलग ग्रेड का माल बना सकते हैं। इस रेडीमिक्स कंक्रीट को हम आरएमसी, शॉर्ट फॉर्म में आरएमसी भी बोल सकते हैं। तो आरएमसी में हम लोग जो मेटेरियल यूज कर रहे हैं वो पूरा मेटेरियल टेस्टेड होता है। आरएमसी से जब हम काम कर रहे होते हैं, उस मेथड पे जब हम काम कर रहे हैं, वो एक मिक्सर जो होता है, एक मिक्सर जो होता है, मिक्सिंग जो हमने किया है, वो जितना भी उसमें मटेरियल यूज किया, पानी किया है, ग्रिट किया है, बजरी किया है, एडमिक्सचर्स किए हैं, केमिकल्स किए हैं, फाइबर्स यूज किए हैं, तो वो सारी चीजें एक एमक्यूब माल बनाने के लिए हमें लेबोरेटरी में उसकी डिजाइन बनानी होती है। ओके, उसमें जब हम डिजाइन बना के इस परफेक्शन पे आते हैं कि हमने जो डिजाइन बनाई है उसमें ये स्ट्रेंथ आनी चाहिए, तो हमें एक परफेक्ट क्वालिटी बनाने के लिए एक स्ट्रेंथ जो हमने बनाया, M25 ग्रेड बनाया, M30 ग्रेड बनाया है, उस ग्रेड पे हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए एक फुली ऑटोमेटिक प्लांट होता है जिसको हम रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट बोलते हैं। वहां पे सब चीजों का मिक्सिंग होके, बाई वेट मिक्स होके वो माल बनता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होके साइट पे आता है। तो इस पद्धति पे या इस सिस्टम पे हमें अगर काम करना है, आरएमसी से हमें अगर काम करना है, तो हमें साइट पे किसी तरह की मिक्सचर मशीन की, निश्चित तौर से मैं आपकी बात छोटे से काट रहा हूँ। लोग को शायद इसकी थोड़ी सी जानकारी, जो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, आरएमसी एक तरह का रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट होता है, जो आप अजमेर में पहली बार, आप सुनील राका जी इसको मार्केट में लेके आए हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। नॉर्मली आपने देखा होगा कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो घरों के बाहर एक फर्नेस जैसा कुछ लगता है जिसमें फटाफट सीमेंट डाला जाता है, बजरी डाली जाती है, और मतलब अपना पानी, वो पानी और एक वो मिट्टी, कंक्रीट क्या बोलते हैं उसको, वो डाला जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, तो वो कंक्रीट क्या, सॉरी, छोटे छोटे वो स्टोन आते हैं जो आप लोग उसको जो बोलते हैं, वो सारा करके फटाफट उसको मिक्स करके और उसके छतों को भरा जाता है, तो वो कंक्रीट बनने में काफी सारा धुआं उठता है, अपना पॉल्यूशन बढ़ता है, मिट्टी उड़ती है, काफी सारी लेबर यूज होती है, काफी सारा शोर शराबा होता है। तो ये एक रेडी मिक्स कंक्रीट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप अपने प्लांट में तैयार करते हैं और उसको एज इट इज जो मिक्स जो होता है, जो लिक्विड टाइप का जो मिक्सचर होता है, वो सीधा आपकी छतों को भरने या आपके पिलर्स को भरने में वो काम आता है। तो निश्चित तौर से आपने बहुत अच्छा इनोवेशन है। अब आप थोड़ा सा रेडीमिक्स के बारे में आप बता रहे थे, मैं आपकी बात इसलिए कह रही थी, रेडीमिक्स कॉन्सेप्ट पर हम जा रहे हैं, कंक्रीट पर हम जा रहे हैं, तो वो कम से कम एक जानकारी होनी चाहिए कि रेडीमिक्स कंक्रीट होती क्या है। जी जी, रेडीमिक्स कंक्रीट में यही सब चीजें जो अभी आपने बोली मैंने बोली। अब जब हम इस सिस्टम पे काम करते हैं, रेडीमिक्स कंक्रीट से काम करते हैं, तो हमें साइट पे किसी भी तरह की मशीनरी की, मटेरियल की, पानी की, सीमेंट की जरूरत नहीं होती। तो उसमें एक सबसे बड़ा, हमारे साइट पे किसी भी तरह का एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं हुआ, किसी भी तरह का वॉइस पोल्यूशन नहीं हुआ, एयर पोल्यूशन नहीं हुआ। तो एक तो वो हम लोगों को टाइम सेव देता है, मेटल जो वेस्ट होता है उसको बचा देता है। तो हम लोग रेडीमिक्स कंप्लीट वहां से माल बन के आता है, प्लांट से मिक्स होके गाड़ी में लोड होके आता है, उसको सीधा यहां से पंप किया और छत पे लेइंग कर दिया। पर इसका तो सूखने का डर रहता है, कुछ एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतने टाइम में उसको यूज करना होता है, जैसे कंक्रीट बनने के बाद। और जी, ये ऐसा होता है सब कि इसमें जब भी हम माल बनाते हैं तो उसका एक सेटिंग टाइम फिक्स होता है। हम उस सेटिंग टाइम को एडमिक्चर्स और केमिकल के थ्रू हम उसके रिटेंशन टाइम को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। हमें पता है कि हम लोग 70 किलोमीटर पे ट्रांसपोर्ट करके जाना है या 60 किलोमीटर पे जाना है या 40 किलोमीटर पे जाना, तो हम उसकी एडमिक्चर की डोज जो हम देते हैं, उस डोजेज को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसको माइनस प्लस करते हैं। वो हमारे पास पूरा डिजाइन होता है, पूरा हमारे लेबोरेटरी सेटअप होता है प्लांट पे,
उसके अकॉर्डिंग हम माल बना के हम लोग काफी 2 से 3 घंटे तक भी उसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या मिक्स करते हैं? जैसे 3 चीजें तो सबको पता है कि भाई बजरी, पानी और सीमेंट और वो गिट्टी क्या बोलते हैं हम लोग उसको, वो सब तो मिक्स होता है। इसके अलावा भी जैसे अब कई जगह वाटर प्रूफिंग का भी प्रॉब्लम रहता है, कहीं पानी लीकेज का भी रहता है, तो वो कुछ भी ऐसे टाइप के कुछ फाइबर भी आपके मुंह से मैंने सुना था कि आप फाइबर मिक्स करते हैं। डेफिनेटली हम लोग इन सब चीजों का यूज करते हैं और आरएमसी का मतलब ही यही हुआ कि हम बेस्ट से बेस्ट क्या बना सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी हम कैसे बना सकते हैं। अब हमारे किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसके बेसमेंट में पानी आ रहा हो, हाँ, तो हमें उसको थोड़ा सा ऐसा मटेरियल देना है जिसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल्स मिक्स हो या स्विमिंग पूल हो, स्विमिंग पूल बना रहे हैं हम लोग टेरिस पे। अभी जस्ट अजमेर में हम लोग मदार में एक हमारा साइट चल रहा है जिसमें टेरिस पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं जी। तो पार्टी की कंडीशन है कि मेरी टेरिस पे जो स्विमिंग पूल बन रहा है उसमें किसी भी तरह का लीकेज नहीं हो लाइफ टाइम। ओके, रेलवे स्टेशन के अंदर तालेडा स्क्वायर में भी शायद हम लोगों ने राफ्ट का काम किया है, तो हम लोग उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल्स मिलाते हैं। अब जैसे हम रोड बना रहे हैं या हम रूफ कास्ट कर रहे हैं या हम फुटिंग कर रहे हैं तो हम उसमें फाइबर भी मिक्स करते हैं, और फाइबर भी 2-3 पैटर्न के आते हैं, रिलायंस, डॉल्फिन, अलग अलग कंपनी के आते हैं। 20 mm लेंथ आते हैं, 10 mm लेंथ आती है, 40 mm लेंथ आती है। अब जनरली फाइबर का पैटर्न किसी ने भी अभी तक यूज नहीं किया, फाइबर लोग जानते भी नहीं है। फाइबर यूज करने से सबसे बड़ा कि एक तो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्रैकिंग को रिड्यूस करता है। क्रैकिंग आना तो सीमेंट का नेचर है, पर क्रैकिंग को बहुत माइनर मेजर स्टेज पे जाके वो रिड्यूस कर देता है, वो क्रैकिंग नहीं आने देता। प्लस एक वो सरिये का काम करता है, रेन्फोर्समेंट का काम करता है, तो हमें फाइबर भी यूज करना चाहिए। उसमें केमिकल्स आते हैं जैसे वाटर प्रूफिंग आती है, हार्डनर आते हैं, चपदूर वगैरह भी हम यूज करते हैं कि हम उसमें कितना हार्डनेस ला सकते हैं, कितनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो रेडीमेड कंक्रीट होता है, अब ये तो मल्टी स्टोरीज का कॉन्सेप्ट है आजकल, पूरे सब जगह मल्टी स्टोरीज बन रही है, मॉल भी बनेगा तो कई मंजिल का बनेगा या बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरीज बनेंगी, तो आप कितनी मंजिल तक आप इसको ले जा सकते हैं आपकी क्रेन से? हाँ। जो आपका जो मिक्स जो ये कंक्रीट होता है इसको आप कितनी मंजिल तक ले जा सकते हैं? हम लोगों के पास 2 तरह के पंप्स होते हैं। हाँ। एक तो फुली ऑटोमेटेड जो पंप है उसको एक ही आदमी ऑपरेट करता है, उसकी हाइट होती है जिसको हम बूम पंप भी बोलते हैं, उसकी हाइट होती है 40 मीटर तक आराम से पंपिंग कर देता है। ठीक है, अगर हमें 40 मीटर से भी हाइट पे जाना है, 100 मीटर तक जाना है, तो 40 मीटर आई थिंक 40 मंजिल होगी, नहीं तो 10 मंजिल हो गया, हाइट एक ही पंप से कर लेते हैं, फुली ऑटोमेटेड होता है, एक ही आदमी उसको रिमोट से कंट्रोल करता है। हमें उससे आगे हाइट पे जाना है, 100 मीटर पे जाना है, 80 मीटर 90 मीटर पे जाना है, तो हमारे पास लाइन पंप भी होता है। उस लाइन पंप के थ्रू हम लोग 100 मीटर 110 मीटर तक भी हम लोग अप्रोच कर लेते हैं और उस पर पंपिंग करके इजिली माल पहुंचा देते हैं। ओके, निश्चित तौर से पहले जो बनता था उसमें कंधे पे तगारे लेके सीमेंट ऊपर पहुंचाया जाता था, मशीन पहुंचाई जाती थी, फिर वहां उसको छत पर मिक्स करके फिर उसके थ्रू फिर वो सारा उसको बिछाया जाता था सारा। लेकिन आप लोगों ने ये नया कॉन्सेप्ट लाके निश्चित तौर पे इस कंस्ट्रक्शन के फील्ड में क्रांतिकारी स्टेप उठाया है। एक मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इसकी प्रोसेसिंग तो आपने बता दी, लेकिन मुझे कैसे कन्फर्म हो कि इसकी क्वालिटी क्या है, जो आपने काम किया है उसकी क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ वो कैसे चेक होगी? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हमारे हर कस्टमर के माइंड में ये क्वेश्चन आपको पेमेंट कर रहा हूं, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं एक एक ग्रेड या इस टाइप की ग्रेड का, और मुझे कैसे पता पड़े कि आपने 1, 2, 4 किया है, 3, 6 किया है? हमारे जितने भी कस्टमर जो हमारे पेयर्स हैं जो हमें पेमेंट दे रहे हैं, डेफिनेटली उनका एक क्वेश्चन बनता है और बनना भी चाहिए क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, पर उसको जो भी हमारा क्लाइंट है हमें जो पेमेंट दे रहा है उसको ये सर्टिफाइड कुछ इस तरह की चीज होनी चाहिए या उसको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हमारा होना चाहिए या हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि जिससे उसको ये सेटिस्फाई हो कि जो वो पेमेंट दे रहा है, जो ग्रेड हमसे ले रहा है, वो परफेक्ट है या नहीं। हमने अगर उनको M25 बोल दिया, हमने उनको M30 बोल दिया, तो वो हो नहीं हो, ये आपका एक बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग अपने प्लान से माल बनाते हैं, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हमारे पूरे इंजीनियर्स और हमारे टेक्निकल टीम और लेबोरेटरी वाले जो लोग होते हैं वहाँ पे एक डिजाइन होती है। हमें M25 ग्रेड माल बनाना है तो 1 m³ में हमको कितना सीमेंट यूज करना है, कितना किलो 20 mm आएगा, कितना किलो 10 mm आएगा, कितना किलो उसमें एम सेंट आएगा, कितना उसमें एडमिक्सर आएगा, और उसमें हम फाइबर्स वगैरह जो भी यूज करते हैं कितना कितना किलो आएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी मर्जी से बनाए और कुछ भी बना के दे दिया, ऐसा नहीं होता। ये जब हमारी एक बिल्कुल सर्टिफाइड एनएबीएल लेबोरेटरी से अप्रूव्ड एक डिजाइन होती है, शायद आप खुद की टेस्टिंग का आपने हमारी प्लांट पे भी हमने लेबोरेटरी सेटअप किया हुआ पूरा, वहाँ पे कॉम्पैक्ट मशीन वगैरह, स्लम कॉन वगैरह,
सब कुछ हमारे पास सेटअप है, तो हम लोग वो एक डिजाइन जो एनएबीएल अप्रूव होती है उसको फिर हम लोग फॉलो करते हैं, और हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल वाली टीम होती है, जब भी हमारा माल बनता है उस हर गाड़ी में से, यानी एक गाड़ी माल बनकर निकलता तो उसमें से एक सैंपल लिया जाता है, वो सैंपल के हम लोग क्यूब कास्ट करते हैं, क्यूब होता है उसमें हम लोग मटेरियल डाल के उसकी कास्टिंग करते हैं, 24 घंटे उस क्यूब में रहता है वो मटेरियल, उसके बाद क्यूब को खोल के वो पीस निकाल के हम लोग पानी में उसको डिप करते हैं, और 28 डेज तक अगर हम पीपीसी यूज कर रहे हैं तो 28 डेज तक हम लोग उसकी क्यूरिंग करते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को जैसे वाटर टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, 16 डिग्री टू 27 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोगों को उसकी क्यूरिंग करनी होती है। 28 डेज के बाद हम जब निकाल के उसको सीटीएम मशीन में लगाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, तो हमें M25 जो हमने ग्रेड किसी कस्टमर को दी है या सप्लाई दी है, तो हमें उसकी M25 स्ट्रेंथ पूरी मिलनी चाहिए। ये कस्टमर को भी आप सर्टिफिकेट भी देते हैं? बिल्कुल, हम उसके सर्टिफिकेट देते हैं, बाकायदा कस्टमर के सामने हम लोग क्यूब कास्टिंग करके उसके कास्ट करके बताते हैं हमें उसकी M30 की स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। हम अपनी क्यूब बना के कस्टमर को भी हैंड ओवर करते हैं, वो चाहे जिस लेबोरेटरी में ले जाके उसको चेक कराए। ये हुई क्वालिटी की बात। अब हम इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि क्वांटिटी कैसे सर्टिफाई की जाए। हमने आपको क्वालिटी तो क्वालिटी भी क्वांटिटी भी कैसी सर्टिफाई हो, तो हमारे यहाँ जो प्लांट से हम जो मिक्सिंग बनाते हैं वहाँ पे फुली ऑटोमेटिक प्लांट है, उससे कंप्यूटर से अटैच होता है। जब भी हम एक भी बैच हमारा गाड़ी में गिरेगा मिक्स होके, तो उसमें हम लोगों ने कितने कितने कंटेंट्स क्या क्या मिलाए, वो हर बैच की रिपोर्ट एक बैच स्लिप के थ्रू आती है। बैच रिपोर्ट हम जिसे कहते हैं, वो पूरी जब गाड़ी लोड हो जाती है, हमने 7 MQ माल बनाया तो उसमें 14 बैच आते हैं, 14 बैच में हमने 20 mm कितना किलो यूज किया, 10 mm कितना किलो यूज किया, क्या वो सब कंटेंट हमारी डिजाइन और ड्राइंग से मैच कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट मैच होते हैं। सीमेंट हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम 1 MQ में M25 जो हम ग्रेड बना रहे हैं, 1 MQ में हम 370 kg सीमेंट यूज करते हैं, तो हमने 7 MQ बनाया तो मल्टीपल 370 × 7 MQ, तो हमने उतना सीमेंट उस गाड़ी में मिक्स हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो उसकी एक बाकायदा बेस रिपोर्ट आती है जो कि हमारी गाड़ी के साथ कस्टमर के पास जाती है, उसमें 7 MQ जो भी क्वांटिटी हमारी एग्जैक्ट क्वांटिटी जाती है, उस क्वांटिटी का एक्चुअल वेट वो भी उसमें बेस स्लिप में लिखा होता है। हमारा कस्टमर चाहे तो हमारी गाड़ी को ले जाके किसी भी धर्मकांटे पे तुला के ये चेक कर सकता है कि इसमें 7 MQ माल आया या नहीं आया, 8 MQ माल पहुंचा या नहीं पहुंचा। आप ये ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे आपने भी बताया M25, ये ग्रेड का कैसे रहता है एक बार ये जरूर बताएं, क्योंकि नॉर्मल हमारी जो लैंग्वेज है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, 1, 2, 4, 1, 3, 6, और लोगों को समझ में नहीं आता बोले 1, 2, 4, 1, 3, 6 की क्या है मतलब, इसका ग्रेड का थोड़ा सा पूरा सा विस्तार से बताएंगे तो। डेफिनेटली, अपने यहाँ अभी जो पैटर्न चल रहा है सर, हम लोग क्या होता है कि हमें कुछ फुटिंग करनी हो तो भाई PCC कर लो, PCC का हम लोग जनरली ये बोलते हैं भैया 1, 3, 6 मिला लो। 1, 3, 6 में एक क्या होता है, 1, 3, 6 मतलब एक सीमेंट, यानी एक हिस्सा सीमेंट का हो गया, सीमेंट हो गया, 3 का मतलब 3 बजरी हो गई, 3 हिस्सा बजरी का हो गया, 3 हिस्सा बजरी हो गई और 6 हिस्से कंक्रीट का हो गए। ओके, तो 1, 3, 6 का पैटर्न हुआ। पर हम लोग ऐसे इस पैटर्न पे काम नहीं करते हैं, रेडीमिक्स कंक्रीट में बाकायदा हमारा ग्रेड डिसाइड होता है। हम 1, 3, 6 को हमारी लैंग्वेज में M15 बोलते हैं, जो कि PCC का मटेरियल होता है जिसमें सीमेंट का रेशियो बहुत कम होता है, हम उसको M15 बोलते हैं। पर जब हम PCC कर रहे हैं तो M15 पे जाएंगे, हम लोग फ्लोरिंग कर रहे हैं, फुटिंग कर रहे हैं, राफ्ट कर रहे हैं, तो M20 से M25 तक भी जाते हैं, तो हाई राइज बिल्डिंग का हम यूज कर रहे हैं तो M35 M45 तक भी हम लोग मटेरियल बनाते हैं जी। तो M, अब उसके बाद हम बोलते हैं 1, 2, 3, तो हमारा 1, 2, 3 आपका हमारा वो टेक्निकल लैंग्वेज में M20 ग्रेड होता है। 1, 2 नहीं, जैसे 1, 2, 4 जो भी 1, 3, 6 इसमें बैटर कैसे पता पड़े कौन सा है, एक बीच में आपकी बात कर रहा हूं, जैसे जैसे रेशियो बढ़ा, दंडी जी पूछ रहे हैं प्राइस भी बताएं ब्रेकअप वाइज, तो वैसे मैं आपसे जानना, मैं भी चाह रहा हूँ प्राइस तो, चूंकि आप इनसे संपर्क करेंगे तो सारा बताएंगे, इतना संभव नहीं हो पाता, बट मैं वैसे एक चीज पूछ रहा हूँ, जो एक हमारा रेडीमिक्स वैसे बनता है जो लेबर आके बनाती है, और एक आप जो ये एक तो वो जो मिक्स करके वहां बनाते हैं जो फर्नेस में जैसे भी, और एक आप लोग रेडीमिक्स बनाते हैं, तो रेट का कितना डिफरेंस रहता है? देखिए, रेट का हम अगर बात करें कि रेट का कितना डिफरेंस है, तो मैं एक बहुत सिंपल सी आपको बात बोलना चाहूंगा, अगर हमको गड्ढे वाली रोड में चलना है तो टोल नहीं देना है, और अगर हमें टोल देना है तो स्मूथ रोड चाहिए, ठीक है। आपको 100 times बेटर क्वालिटी चाहिए, मिक्सिंग परफेक्ट चाहिए, मटेरियल कंटिन्यू चाहिए, यूनिफॉर्म मटेरियल गारंटेड भी चाहिए, गारंटेड चाहिए, जो आपने यूज किया उसकी स्ट्रेंथ आपको नजर रखने की जरूरत नहीं है उसमें कि वो कितना मिला रहा है, वो थोड़ा सा बियर करना होता है। पर हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, ऐसा नहीं है।
पर हाँ जो मेटेरियल कॉस्टिंग आती है वो साइट पे भी उतनी आती है और प्लांट पे भी उतनी आती है। सीमेंट के बैग चोरी हो जाते हैं तो वो नहीं बढ़ जाता। हमारे यहाँ बैग चोरी आपके नहीं कह रहा हूँ, मतलब नॉर्मली मैंने देखा। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आपने 100 बैग में से 10 बैग चोरी हो गए तो आपकी कॉस्टिंग डेफिनेटली बढ़ेगी। पर आरएमसी में आपको इस तरह का कोई भी नहीं, आरएमसी में तो पॉसिबल ही नहीं है। वो आपकी एक कॉस्ट सेविंग होती है, प्राइस आपको ऑलमोस्ट सेम सी होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, पर क्वालिटी उसमें 100% बेटर आती है, परफेक्शन पे काम होता है, जो माल आपने मांगा वो माल पूरा मिलता है, उसकी हम लोग 100% गारंटी देते हैं। तो प्राइस बड़ा मैटर नहीं है, 10-15% अगर उसमें आप थोड़ा सा बढ़ के भी दे रहे हैं तो आपका वेस्टेज रुक गया। जो हम सीमेंट के बैग बार बार काट के साइड पे यूज करते हैं तो उसमें सीमेंट 10-15% सीमेंट वेस्ट होती है, बैग्स में रह जाती है, बिखर जाती है, साइड में फैल जाती है, उड़ जाती है, तो वो सब चीजें आरएमसी में नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, पड़ोसी दुखी नहीं होता है। पड़ोसी दुखी नहीं होता है, डेफिनेटली मशीन होता है। किसी प्रकार का शोर शराबा जिस भी घर के कंस्ट्रक्शन के बारे से फटेज लगे होते हैं तो आप शोर शराबा देख सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको नींद आराम कर देगा, आपको चैन से बैठने नहीं देगा, प्लस जो उसका सीमेंट उड़ेगा वो सीधा आपके घरों में आएगा, तो ये सारी चीजों से बचाव है। बट हाँ, आप कुछ ग्रेड बता रहे थे तो ग्रेड का थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, वो ग्रेड में हम जैसे आप बोल रहे थे कि हम 1-3-6, 1-2-4 कौन सा अच्छा होता, तो हाँ। जैसे आप हेवी रेशो में जाएंगे 1-3, 1:3-6 तो वो आपका ग्रेड हल्का होता है। आप जैसे 1:2, 1:4 या उसमें मतलब जितना आप 1-3-6 में जाएंगे तो हल्का काम हो गया, 1-4 में जाएंगे तो थोड़ा अच्छा मजबूत वाला काम हो गया, 1-1 and 1-2 में जाएंगे तो उससे भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी बनता है। पर छतों पर आप कौन सी जो छतें भरते हैं, हम लोग छतों पर जो कंक्रीट भरा जाता है या जो मिक्सचर ही आपका भरा जाता है जिससे छत में स्ट्रेंथ आती है सरिये की, ये कौन सी ग्रेड का आप यूज करते हैं? जनरली हम लोग छतों में सर M20 से M25 ग्रेड यूज करते हैं। हमें लगता है कि हम लोग हाई राइज बिल्डिंग में जा रहे हैं जहाँ हमें वेट कम करना है और क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो हम 25 ग्रेड में भी जा सकते हैं। हम लोग 6 इंच की जगह 5 इंच भी अगर हम लोग उसको कास्ट करते हैं तो उतनी स्ट्रेंथ हमें अच्छी हो जाती है। ठीक है अजी, ये जो फैक्ट्रीज है, मॉल है, इनकी पार्किंग्स होती हैं, इनकी कैसे आप करते हैं, इनको भी शायद आप करते हैं कभी? डेफिनेटली हम लोग करते हैं, उसमें बड़े बड़े जैसे फ्लोरिंग्स होती हैं, 1,00,000 feet, 2,00,000 feet, 4,00,000 feet स्क्वायर फीट का हम लोग एरिया। इतना सारा एरिया आप एक साथ कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें तो शायद स्मूथली फटाफट कुछ ऐसा कुछ रहता है? हमारे पास सारी मशीनरी है, सारी टेक्नोलॉजी है, हम लोग कंटिन्यू 600 MCube की राफ्ट भी हमने किया हुआ है, 700 MCube का राफ्ट भी हमने किया हुआ है, और बड़े बड़े जितनी भी मशीनरी के फाउंडेशन होते हैं जैसे ये आर्टिफिशियल ग्रेनाइट्स के जो फाउंडेशन होते हैं उनमें एक फाउंडेशन का उसका 450 से 500 होता है। इवन अभी एक नई टेक्नोलॉजी चल रही है, मोनोपोल्स लग रहे हैं, पावर ग्रिड्स के जितने भी फाउंडेशन होते हैं वो 700 MCube, 600 MCube, 500 MCube तक के होते हैं। जो रेलवे के जो मोनोपोल्स हर ट्रैक के, हाँ अभी NHAI ने और रेलवे ने कुछ इस तरह की गाइडलाइन और वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का डिजाइन तैयार किया है कि आपको अगर रेलवे लाइन के ऊपर कोई क्रॉसिंग लाइन लेनी है, इलेक्ट्रिक लाइन है, टेलीफोन लाइन है, या जो भी XYZ जो भी आपको क्रॉसिंग करना है, तो उसमें उनकी लाइन से 50 मीटर दूर आपका कोई भी एक पोल होना चाहिए, तो उसके लिए स्पेशल डिजाइन इन्होंने अभी किया है कि वो मोनोपोल्स लगा। मोनोपोल्स में क्या होता है, एक ही टावर होता है, वो 50-60 मीटर दूरी पे होता है, उसकी हाइट 50-60 मीटर होती है, यानी कि उनका ये पैटर्न है कि अगर वो किसी कारण से गिर भी जाए तो ट्रैक पे नहीं आए, ट्रैक डिस्टर्ब नहीं हो, तो उसकी एक फाउंडेशन 400 से 500 MCube की होती है जो कि रेगुलर करनी होती है। हाँ, obviously, गैप नहीं ले सकते, ब्रेक नहीं आ सकता उसमें, बिल्कुल। तो उसमें हमें डेफिनेटली फिर स्ट्रेंथ और क्वालिटी और रेगुलर काम करने के लिए हमें आरएमसी पे जाना पड़ता है, इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, ये फर्श की एक नई टेक्निक आई है, नई जैसे आप अपडेट हैं जो नए नए आज कुछ फर्श बन रहे हैं, कुछ मैंने भी नोटिस किया था ग्रेनाइट पॉलिश का फर्श, आपका ग्रेनाइट नहीं लगा होता है उसमें, लेकिन वो इतना स्मूथ होता है आप उसको जज नहीं कर सकते कि ग्रेनाइट है कि फर्श है। नहीं, ये ठीक बोल रहे हैं आप, अभी हम इसी पे बात कर रहे थे कि हम फ्लोरिंग और जो काम करते हैं, फ्लोरिंग पे जैसे हम लोग बड़े बड़ी फ्लोरिंग करते हैं मल्टी स्टोरीज की या पार्किंग एरियाज की या फैक्ट्रीज की, तो आजकल कुछ इस तरह की फैक्ट्रीज में फर्श बन रही है जहाँ फैक्ट्री में पॉल्यूशन हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, जैसे लूम्स होती है, जैसे पावर लूम्स होती है ना, धागे वाली फैक्ट्रीज होती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है, उनकी फर्श में उनको बिल्कुल भी डस्ट या पोल्यूशन नहीं हो, ऐसा कुछ उनको चाहिए। तो उसके लिए एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी आई है, हम लोग ऐसी फ्लोरिंग बना देते हैं उसमें जस्ट लाइक ग्रेनाइट फिनिशिंग होती है, हमने कॉन्क्रीट में क्या चीज यूज की है वो चीज आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगी और वो लॉन्ग लाइफ होती है, इवन उस पर स्ट्रेच भी नहीं आते हैं, जितना आप उस पर वॉश करेंगे, उसको वाटर वॉश करेंगे, उस पर जितना आप क्लीनिंग करेंगे उतनी उसकी फिनिशिंग बढ़ती जाती है। तो आप उसको पॉलिश करते हैं कि आप उसकी घिसाई इतना स्मूथली कर देते हैं कि वो बिल्कुल ग्रेनाइट या मार्बल की तरह बिल्कुल ऐसा, जबकि होता वो कंक्रीट है, आपको उस पर डॉट डॉट जरूर दिखेंगे,
क्योंकि वो तो उसको होता है वो आरएमसी से मिक्सिंग जो जाती है हमारा उसी से वो ज्यादा बेटर होता है क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। पर जब हम लोग फ्लोरिंग कर देते हैं उसके बाद उसकी वापस कटिंग होती है, ओके, रबिंग होती है। अब उसमें तीन तरह की फिनिशिंग होती है, एक एम सैंड फिनिशिंग होती है, एक मिनी ग्रेनाइट फिनिशिंग होती है और एक फुली ग्रेनाइट फिनिशिंग होती है। अब किसी पार्टी का रिक्वायरमेंट है कि उसको एम सैंड फिनिशिंग चाहिए तो उसमें हल्का सा रब किया, उसके केमिकल आते हैं वो पॉलिश अपॉक्सी, जैसे अपॉक्सी जो हमारा एक जनरल पैटर्न पे चलती है पर हम उसको अपॉक्सी नहीं बोल सकते, वो एक केमिकल अलग ही आते हैं, उसके थ्रू वो हम लोग बनाते हैं। और एकदम फिनिश्ड जो आप बात कर रहे थे ग्रेनाइट पॉलिश की, उसमें हमने कंक्रीट में कौन सा डिजाइन ग्रिड यूज किया वो भी उसमें ट्रांसपेरेंस दिखता है, तो लॉन्ग लाइफ होता है। आपको कोई ग्रेनाइट नहीं लगाना होता है, कोटा स्टोन नहीं लगाना होता है, कोई फिटिंग नहीं करनी होती है, कोई पॉलिशिंग नहीं करनी होती, वो सेल्फ पॉलिश होती है। क्योंकि मेरे जब आपसे मेरी पहले बात हो रही थी आपने बताया था आपका काफी काम चल रहा है पुष्कर और किशनगढ़ और इधर पुष्कर में काफी रिसॉर्ट्स में आप कर रहे हैं। हाँ। आपका एक इसका लिमिटेड टाइम होता है तो आप कितनी दूरी तक आप अपना मटेरियल आप सप्लाई कर सकते हैं जो लोग अपने प्लांट से 60-70-80 किलोमीटर तक माल सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये चीज ऐसी है इसकी एक ड्यूरेशन होती है उससे पहले पहले इसको यूज करना होता है। नहीं हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं अभी। हाँ। रेलवे भी हमारा काफी बल्क एमक्यूब हम लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर में भेजा है और हमने पावर ग्रिड में हम रेगुलर काम कर रहे हैं, एवीएनएल में आरबीएनएल में हम लोग काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी वगैरह में तो हम लोग काम करते ही है शुरू से, हम लोग आर्मी वगैरह में भी हम लोग माल देते हैं। तो अब रेलवे में हम लोग 70-80 किलोमीटर तक माल सप्लाई देते हैं। पावर ग्रिड का जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है जेठाना से लेके मालपुरा, तो हम लोग जेठाना से लेके पूरा मालपुरा यानी 70-80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हम लोग माल इजीली सप्लाई करते हैं। तो ये टाइम सेविंग भी है? डेफिनेटली इसमें टाइम सेविंग है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये टाइम सेविंग है, यूनिफॉर्म क्वालिटी मिलेगी, कॉस्ट कटिंग है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली भी है। अजमेर गलियों का शहर है, दरगाह बाजार में आप पैर नहीं रख सकते, वहाँ होटल बनानी है, आप कैसे बनाओगे? हम लोग बड़े इजीली बना देंगे उसको। कैसे बनाओगे? हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी कि आप रात को सोएंगे सुबह उठेंगे हम लोग तो पूरा एक रूफ कास्ट करके निकल जाएंगे बिना वो बाहर नहीं करना। आप सुबह आके देखेंगे तो आपको लगेगा यार रात को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि हमारे पास जिस तरह की मशीनरी है और जिस तरह की हमारे पास टीम है वो फुली मैकेनाइज्ड सिस्टम होता है। हम लोग नाइट में हमारी टीम जाती है पूरा पंप कार लगाती है, पाइपलाइन वगैरह होती है, उधर से प्लांट से 6-7-8 गाड़ी लोड एक साथ होके आती है, वो एक गाड़ी को पंपिंग 5 मिनट में पंप करके फ्लोर पे पहुंचा देता है और हम लोग इजीली हम लोग 100-150-200 एमक्यूब एक नाइट में करके निकल जाते हैं। सीसी रोड भी बनाते हैं आप लोग? डेफिनेटली सीसी रोड बहुत बनाते हैं। और डामर रोड? डामर रोड भी बनाते हैं। डामर रोड भी हमारा उसका, उसका थोड़ा बता, डामर रोड, डामर रोड भी आपने हमने बात चला दी तो हमारा डामर रोड का भी पूरा अपना सेटअप है, पूरा प्लांट मशीनरी डामर रोड की हम लोग बनाते हैं। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं। और डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर अजमेर में बहुत कम है निश्चित तौर से। बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से वर्ड सुन के क्योंकि उनका एक लेवल होता है वो, खैर उस बात में तो सभी को पता है। तो एनीवे मतलब आप खुद की है सारी मशीनरी? हाँ, इन हाउस हमारा पूरा इन हाउस मशीनरी है। करीब मशीन जैसे डामर रोड में हमारा प्लांट भी अपना हुआ है, पेवर मशीन, रोलर्स वगैरह, ग्रेडर, जेसीबी, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है, टिपर्स वगैरह सारे अपना इन हाउस है और काफी बल्क में हम लोग डामर रोड बनाते हैं। रिसेंटली हमारा जेठाना बाईपास का प्रोजेक्ट भी चल रहा है तो ये रेगुलर रहते हैं। अपना प्लांट कहाँ डाल रखा है अजमेर? हमारा आरएमसी और डामर प्लांट दोनों एक ही जगह सेटअप है, वो हटुंडी नसोबा रोड से थोड़ा सा राइट साइड में हम लोग टर्न करेंगे। हटुंडी एक काफी अच्छी जगह है, हरिबाबू उपाध्याय जो महिला शिक्षा सदन है उसके जस्ट अपोजिट साइड है, काफी अच्छा लैंडमार्क है। नहीं अच्छा, एक मैं आपसे बीच में मेरा सवाल रह गया था, ये वाटर और सीमेंट के रेशियो का कैसे करते हैं? ये मेरा थोड़ा सा दिमाग में था कि मैं आपसे पूछूंगा। बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है। वाटर सीमेंट रेशियो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो बेसिकली हमारी एक सोच होती है, हम मकान बना रहे हैं बोले अच्छा सीमेंट डाल दो, बहुत ज्यादा सीमेंट डाल दो अच्छा स्ट्रेंथ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हमने पानी का डोज सीमेंट के हिसाब से मेंटेन नहीं किया, अगर हमने सीमेंट के हिसाब से पानी का डोज बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, तो हमारी स्ट्रेंथ डेफिनेटली कमजोर होती है। अब परसेंटेज की जो आपने हमने रेशियो की परसेंटेज जो आपने बात पूछी, तो जो सीमेंट का रेशियो उसका हम 4.5% जनरली यूज करते हैं। वेदर टेम्परेचर के हिसाब से इसको अप डाउन भी करना होता है हमको। बहुत सी बार जब वेदर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, कॉन्क्रीट करना हमारी मजबूरी होती है, तो हम वाटर सीमेंट रेशियो का 4.8 या 4.9 या 5% भी हम जा सकते हैं, पर उसमें बहुत केयरफुल होकर हमें काम करना होता है।
हम उसको पूरा डिजाइन के साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग 6% जाके और जाके कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं हो सकता। तो वाटर सीमेंट रेशियो एक बहुत बड़ा फार्मूला है, उसको हमको अडॉप्ट करना होता है और आरएमसी में परफेक्टली हम लोग उस पर पूरा ध्यान देते हैं। ये ट्रेडिशनल लेबर से आप लोग क्यों बेटर है? ट्रेडिशनल जो काम पुराना चला आ रहा है 50 साल 100 साल से, एक ठेकेदार होता है 84 से 10 मजदूर पकड़ के लाता है, उनके काम से आपका काम क्यों बेटर है? डेफिनेटली हमारा काम बेटर इसलिए कि हम जो काम करते हैं, हमारा जो प्लांट है उसमें कोई भी चीज मैनुअल नहीं होती, उसमें हर चीज पाई वेट होती है जो हमने रेसिपी फीड की है। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल 710 किलो 20 mm फीड किया है, 425 किलो 10 mm फीड किया है, 370 किलो सीमेंट फीड किया है, 172 केजी हमने वाटर फीड किया है, 2 लीटर हमने एडमिक्सचर फीड किया है, 4 केजी हमने फाइबर फीड किया है। वो फीड होने के बाद हमारा फुली ऑटोमेटिक प्लांट होता है, केवल एक बटन ऑन करना होता है, उसके बाद वो प्लांट पूरा बाई वेट माल देता है। अगर वो उसको पूरा मेटेरियल नहीं मिलता है तब तक वो उसका आगे का प्रोसेस ही नहीं चलता, यानी वो मिक्सिंग ही नहीं होगा। ओके, स्टार्ट ही नहीं होगा। हाँ, वो मिक्सिंग पॉट में जब ही मेटेरियल जाएगा, जब उसकी कन्वेयर बेल्ट पे पूरा मेटेरियल उतना केजी आ गया, जब उस पे पूरा वेट आ जाता फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट होकर कन्वेयर बेल्ट पे जाता, कन्वेयर बेल्ट के बाद मिक्सिंग जो पान मिक्सर होता है उसमें जाता है और उसके अंदर वो 1 मिनट तक मिक्स होता है। जब वो उसमें मिक्स हो रहा होता है तो उसमें सीमेंट और एडमिक्सर उस टाइम ड्रेन होते हैं। अगर उसमें सीमेंट पूरी नहीं गई, पानी पूरा नहीं गया या एडमिक्सर पूरा नहीं गया तो उसका गेट ओपन ही नहीं होगा, चाहे वो 2 मिनट तक 3 मिनट तक उसमें माल घूमता रहेगा और थोड़ी देर पड़ा रहा तो खराब भी हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली अगर उसमें पूरा माल नहीं आया तो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए फुली ऑटोमेटिक प्लांट है कि जैसे मिक्सिंग उसमें रॉ मेटेरियल गया और सीमेंट ड्रेन होगी, सीमेंट के साथ वाटर ड्रेन होगा, वाटर के साथ एडमिक्सर ड्रेन होगा और जब वो तीनों चीजें 1 मिनट के साथ मिक्स होगी तो 1 मिनट के अंदर वो निकल के और ट्रांजिस मिक्सर में डंप हो जाएगा, यानी कि उसमें गेट उसका ओपन होगा और वो ट्रांजिस मिक्सर में माल जाएगा। अच्छा, ये आपने अजमेर आरएमसी नाम क्यों रखा? अजमेर आरएमसी सर, क्योंकि मैंने भी अजमेर प्रॉपर्टी.com रखा हुआ है, तो मेरी कंपनी का नाम भी अजमेर प्रॉपर्टी.com है, तो मुझे तो मेरा रीजन पता है कि मुझे अजमेर प्रॉपर्टी क्यों पसंद है। आज से 10-12 साल पहले जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी, 12 साल पहले, तो हम लोगों ने इसका नाम अजमेर प्रॉपर्टी किस कारण से रखा था? आपने अजमेर आरएमसी क्यों रखा? डेफिनेटली आपने अजमेर अपनी प्रॉपर्टी के आगे लगाया तो हमने भी अजमेर रेडीमिक्स बनाया, उसका एक रीजन है जी। हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि जी, हमारी डेवलपमेंट यानी हमारी प्रोग्रेस की भूमि अजमेर है, हम अजमेर के वासिंदे हैं, अजमेर के निवासी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर को प्रमोट करें, उस शहर में नई नई टेक्नोलॉजी लाएं, उस शहर में नए इनोवेशन करें, ताकि हम अपने शहर को गौरव के साथ आगे जाके बोल सके कि हम अजमेर के वासिंदे हैं। हमारे अजमेर में दरगाह भी है, हमारे अजमेर में पुष्कर भी है, जब अच्छी अच्छी चीजें हमारे अजमेर में है तो क्यों ना हम अच्छी टेक्नोलॉजी भी अजमेर में लाएं। वाजिब बात। और अजमेर में जब हम अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अजमेर में पहला आरएमसी प्लांट हम लोगों ने बड़ा रिस्क लेके लगाया है, तो डेफिनेटली हमने उसका नाम यही रखा है। हमने फैमिली में सब ब्रदर ने बैठ के डिसाइड किया फादर के साथ कि हम इसका नाम क्या रखें, तो फादर ने कहा कि बेटा जहां तुम्हें प्रोग्रेस मिली क्यों ना उसी नाम को आगे बढ़ाए। निश्चित तौर से, तो हमने अजमेर, निश्चित तौर से हमारी पहचान अजमेर से ही है, भले ही हम कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन चूंकि जन्मभूमि और कर्म भूमि हमारी अजमेर है, तो इसलिए अजमेर आपने बहुत अच्छा एक शब्द उसके आगे रखा है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि छतें डलती हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, अब मल्टी स्टोरीज बनती हैं, 20-20 मंजिल बनती हैं, 30-30 मंजिल बनती हैं, तो उन तक एक मशीन जाती है जो ऐसा पंप टाइप में ऊपर तक जाती है जहां से उनकी छतें भरी जाती हैं, पिलर्स को भरा जाता है, छतें भरी जाती हैं, तो वो वही वो रेडीमिक्स कंक्रीट जिसको कंक्रीट होती है। पर पहले क्या होता था कि छतों पर वो एक छोटा सा मिनी प्लांट टाइप में लगाया जाता था, लेबर उसको घुमाते थे और एक मशीन को चलाया जाता था और एक जना सीमेंट डालता जाता था, दूसरे जना पानी डालता जाता था, तो कई बार ब्रेक हो जाता था, कहीं लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो वो कई बार रो उनका सिस्टम रुक जाता था, वो सारी चीजों से हम निजात है। दूसरी बात, आपने काम को बहुत ईजी कर दिया है, आपका 50% जो मेहनत है वो आपका बच जाता है और आपका काम बहुत मजबूती से बराबर और जिस प्रॉपर रेशो में आप चाहते हैं वो होता है। और निश्चित तौर से सुनील जी, आपसे बहुत अच्छा लगा आज बात करके, और आप एक इनोवेशन है आपका नया अजमेर में, और ये बहुत अच्छी चीज आपने कंस्ट्रक्शन में करी है और आपके प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे तो इसमें मैं आपको बात करना चाहूंगा, इसमें हमें अजमेर वासी ने या आर्किटेक्ट्स लोगों ने या कॉन्ट्रेक्टर्स लोगों ने हमें काफी सपोर्ट दिया है और कॉन्ट्रेक्टर्स की काफी हेल्प रही है इन नई चीजों को अडॉप्ट करने में, और आर्किटेक्ट लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने भी इसको काफी प्रमोट किया, काफी लाइक किया है। अब डेफिनेटली बड़े प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं, ब्रिज होते हैं, मल्टी स्टोरीज होते हैं, या अपना टनल्स के काम होते हैं, या
एलिवेटर्स के जो रोड्स बनते हैं एलिवेटर जो हैवी काम है जी, जहाँ क्वालिटी का हमें क्वालिटी यूज करनी है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन चूंकि सड़क बनती है तो टनों के ट्रक्स निकलते हैं, ट्रक निकलते हैं, कोई ब्रिज बनता है तो बहुत हैवी उस पर लोड रहता है, या बिल्डिंग बनती है मल्टी स्टोरी तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी लोड होता है, तो वो चीज आप लोगों ने उसमें क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी हम लोग यूनिफॉर्म माल और क्वालिटी मिक्सिंग अच्छा आरएनसी प्लांट से ही बना पाएंगे। हम लोग साइड पे मशीन लगा के मैनुअल मिक्सिंग नहीं कर सकते इसको, तो इसमें हम लोगों को जो अजमेर के लोगों ने या अजमेर किशनगढ़ ब्यावर विजयनगर जहां जहां हमारा मटेरियल जाता है वो लोगों ने काफी लाइक किया है, काफी पसंद किया है, और जिसने भी एक बार इसको यूज किया डेफिनेटली उसने बहुत उसकी तारीफ, निश्चित तौर से कोई शोर शराबा नहीं, कहीं कोई कचरा नहीं, कहीं कोई डस्ट नहीं, कहीं किसी पड़ोसी अड़ोसी को कोई नुकसान नहीं, और बहुत इजीली स्मूथली आपका 30 मिनट में आपकी छतें डल जाती हैं। और मतलब ये एक हमारे विनोद दगदी जी हैं कि कितना कॉस्ट आता है एक सिंगल स्टोरी मकान में 213 गज में, तो उसके लिए आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, आपके पास इनके भी नंबर हैं, आपके पास मेरे भी नंबर हैं, सुनील नाका जी से भी आप कर सकते हैं, मुझे 9462100 पे संपर्क कर सकते हैं, या नाका जी आप आपका एक बार नंबर बताएं 9828049666 सुनील नाका जी का नंबर है, आपका आदर्श नगर में नाकोड़ा वैभव कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से मुख्य सड़क पर यूनियन बैंक के आगे आदर्श नगर अजमेर में आपका ऑफिस है, मेन रोड पे ही बिल्कुल यूनियन बैंक के जरा सा आगे नाकोड़ा वैभव कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से, और आप लोग काफी बड़े प्रोजेक्ट, काफी अच्छे प्रोजेक्ट काफी सालों से कर रहे हैं। सो आज के शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ajmerproperty.com में हम लोग आपको रियल एस्टेट सर्विसेज काफी सालों से दे रहे हैं, और हम लोग का ये रहता है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हमारे लिए मस्ट होता है, और हमारी सर्विसेज जिन्होंने ली हैं वो हमारे से अच्छे से वाकिफ हैं। हम लोगों ने अपना ऑफिस चूंकि वैशाली नगर मुख्य सड़क पर ग्राउंड फ्लोर पर हम लोगों ने शिफ्ट किया है, मानसिंह होटल से जस्ट पहले, तपस्वी भवन से पहले, मुख्य सड़क पर ही आपको बोर्ड दिख जाएगा ajmerproperty.com, मानसिंह होटल से जस्ट पहले मुख्य सड़क वैशाली नगर पर। तो हमारे लिए कोई भी सेवा हो तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मेरा मेंशन ही है 9462101010, और सुनील जी का नंबर मैंने आपको दिखाई दिया है। सो आज के इस शो में आने के लिए सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार वो आपका वीडियो चलाया जाए सुनील जी का, ताकि इनको पता पड़ सके हम लोगों को कि किस प्रकार से रेडीमिक्स कॉन्क्रीट का कुछ नहीं आ रही है संपत्ति, और उसके अलावा जो अपने हेरिटेज बिल्डिंग्स होती सिविल रिपोर्ट, या फिर उनका आप मान लीजिए सिविल भी ठीक है तो उनके, अब वो करने के बाद में काम करनी टाइम लगता है, आपका एक चीज तो कहना मानना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ कराएं तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन से पहले आप उसके लिए पैसा दिया है, डेवलपर्स है, बिल्डर्स है, वो लोग को कहीं से रिलैक्सेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ, बनस्पत एनसीआर के दूसरे एरिया से फैजाबाद गाजियाबाद नोएडा उनके मुकाबले गुड़गांव ज्यादा डेवलप हुआ है।